दोस्तों आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज मैं जलपरी से जुड़ी कुछ बातें बताने वाला हूँ। जलपरी की कहानियाँ तो हमने बचपन में बहुत सुनी है और टीवी पर जलपरियों के कार्टून्स और मूवीज को हम सभी ने देखा है, लेकिन तब हमें जलपरी का सच नहीं पता था। हमें लगता था कि जलपरी सच में होती है, पर क्या आपने कभी जलपरियों को सच में देखा है? क्योंकि वास्तविक जीवन में हम में से किसी ने भी उन्हें नहीं देखा है। मगर दोस्तों जलपरी आज भी दुनिया के लिए रहस्य है, लेकिन कई लोगों ने जलपरियों को देखने का दावा किया है। कुछ गोताखोरों और शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि उन्होंने जलपरी को अपने कैमरे से कैप्चर और रिकॉर्ड किया है, और कुछ लोगों ने समुद्र के किनारे जलपरी के शव को देखा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि ये जो दावा किया जा रहा है सही है या गलत, आइए जानते हैं। सन 2012 में एनिमल प्लैनेट चैनल पर डॉक्यूमेंट्री फुटेज टीवी पर दिखाई गई थी, और ये फुटेज देखने के बाद सबके मन में एक ही सवाल उठ रहा था कि सच में जलपरी होती है क्या। उस डॉक्यूमेंट्री का नाम था मरमेड्स द बॉडी फाउंड, जिसके अनुसार कुछ लोग पानी के अंदर गहराई में रहने वाले जीव का पता लगा रहे थे, जिसमें एक अलग तरीके का जीव भी दिखा जिसका शरीर इंसानों की तरह था। उसकी झलक वीडियो रिकॉर्डिंग में कैद की गई, जिससे जलपरी के होने का दावा किया गया। इंटरनेट पर इस वीडियो को रियल मरमेड नाम से पहचान मिली, लेकिन ये वीडियो भी सच नहीं है। ये वीडियो बस एक कल्पना मात्र है, क्योंकि अब तक जलपरी की कोई पुष्टि नहीं हुई है। कुछ साल पहले भी ऐसी खबरें आई थी कि भारत के गुजरात के तट पर जलपरी का मृत शव मिला है। इस खबर से पूरे भारत में सनसनी फैल गई थी। इसकी तमाम तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। यही नहीं, हवाई और मिस्र के समुद्री तट पर भी एकदम वैसी ही जलपरी का शव देखने की खबर आई थी। असल में ये सारी बातें एक अफवाह थी। सोशल मीडिया पर जिस जलपरी की तस्वीर वायरल हो रही थी, वो दरअसल मशहूर आर्टिस्ट जोएल हॉर्लो ने फिल्म पायरेट्स ऑफ कैरेबियन के लिए एक प्रॉप के तौर पर बनाई थी। ये देखने में बिल्कुल रियल लग रही थी। इसी गलत फहमी की वजह से कई लोगों ने इस तस्वीर को वायरल करके ये अफवाहें फैला दी कि गुजरात या अन्य जगहों पर जलपरी देखी गई है। जलपरियों को कई बार बाढ़, तूफान और समुद्री जहाजों के डूबने जैसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के साथ जोड़ा जाता है। कई अन्य संस्कृतियों में जलपरियों को दयालु, उपकारी और हम जैसे मामूली इंसानों को वरदान देने या फिर उनसे प्रेम करने वाली एक खूबसूरत जलपरी माना जाता है। 2009 की खबरों में दावा किया गया था कि एक मरमेड ने किरत यम के शहर इजराइल के तट पर देखा था। वो सूर्य डूबने से पहले दर्शकों के लिए कुछ तरकीबें दिखाती थी, फिर रात के लिए गायब हो जाती थी। उस जलपरी को देखने वाले पहले लोगों में से एक ने कहा कि वो दोस्तों के साथ था, जब अचानक उसने देखा कि एक महिला अजीब तरीके से रेत पर लेटी हुई थी। पहले उसे लगा कि वह सिर्फ एक महिला है जो धूप सेक रही थी, लेकिन जब उसके पास वो लोग पहुंचे तो वो पानी में कूद गई और गायब हो गई। वो सभी सदमे में थे क्योंकि उसने देखा कि उसकी एक पूंछ थी। इसी तरह वर्ष 2016 में भारत में एक अनोखा केस सामने आया था, जिसमें उत्तर प्रदेश में एक बच्चा पैदा हुआ जो एकदम जलपरी जैसा दिखता था, पर दुर्भाग्यवश यह बच्चा केवल 10 मिनट के लिए ही जीवित रह पाया था। जो हालत इस बच्चे की थी, इसे विज्ञान द्वारा सिरेनोमेलिया कहा जाता है और इसे मरमेड सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर वंदना आर्य, जिन्होंने इस बच्चे की डिलीवरी करी थी, उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा केस देखा है। और यही नहीं, उस बच्चे के हाथ भी जालीदार थे, जैसा कि पानी में रहने वाले जीवों के होते हैं। ऐसा भारत में पहली बार देखा गया था। जलपरी का रहस्य क्या है, इसका खुलासा अभी तक पूरी तरह से नहीं हो पाया है, लेकिन जलपरी का इतिहास कुछ ऐसा है जिसमें ये पता चलता है कि जलपरियां धरती पर हुआ करती थी, भले ही उन्हें आज के समय में न देखा गया हो। दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।